हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग शनाइशा'स वर्ल्ड, अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड मदरशिप। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। आई होप सब अच्छे होंगे, सब आज रिलैक्स होंगे। ऑफ होगा सबका, मेजोरिटी का ऑफ होगा और सब घर पे अपने टीवी चला के बैठे होंगे और परेड को देख रहे होंगे। तो हम अपने दिन की शुरुआत करेंगे आज एक मीठे की रेसिपी के साथ, जो कि मोस्ट डिमांडेड रेसिपी है मेरे चैनल पे। एंड मेरे स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे कोलीग्स सब उस रेसिपी को सीखना चाहते हैं। तो यस, यू आर राइट। मेरी रेसिपी है आज केक की। हम बनाएंगे एक केक, नॉर्मल स्पंज केक है, ठीक है। और उसको व्हिप क्रीम के साथ, कैसे व्हिप क्रीम के साथ डेकोरेट किया जाता है, आइसिंग की जाती है, वो मैं आपको बताऊंगी विदाउट एनी नोजल, ज्यादा इक्विपमेंट के साथ नहीं, सिंपल कैसे हम उसको आइसिंग कर सकते हैं व्हिप क्रीम के साथ, वो आज हम आपको सिखाएंगे। हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, उनका हाफ डे है आज, तो ब्रेकफास्ट बना दिया है, लंच में ही विल बी बैक, लंच में वो आ जाएंगे। तो नाश्ते में मैंने बनाया है पोहा, तो बस बच्चे अभी उठे हैं, तो बच्चे और मैं करेंगे नाश्ता हमारा, पोहा और चाय, ठीक है। उसके बाद स्पंज में बना चुकी हूँ, उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आफ्टर ब्रेकफास्ट हम बनाते हैं, हाँ, नाइशा खाएगी बिस्किट चाय, ठीक है। और उसके बाद हम बनाए करेंगे केक की आइसिंग। तो बने रहिए हमारे साथ। ये देखिए, इसमें मैंने नमक डाल दिया है। नमक को थोड़ा सा जलने देना, उसके बाद आप इसको यूज करना, हल्का सा रोस्ट हो जाए ना, अदरवाइज उसकी जो फ्रेगनेंस है वो केक के अंदर आ जाती है, जो नमक है ना हल्का सा उड़ के केक में आएगा। तो ये जब तक जलेगा, वैसे भी हम प्रीहीट करेंगे इसको, तो इसको प्रीहीट होने दीजिए थोड़ा फैला के। कोई भी बर्तन ले सकते हो आप, भगोनी, कढ़ाई, कुकर, कुछ भी। आज मेरे स्टील का ये इडली का जो कढ़ाई है वो मैं यूज कर रही हूँ, ठीक है। इसमें रखिए स्टैंड और कवर करके छोड़ दीजिए जब तक हम बाकी प्रोसेस करेंगे। ये है इंग्रेडिएंट्स, ये है 1 कप और 1/4 कप मैदा, ठीक है। आज मैंने मैदा लिया है 1 कप एंड 1/4 कप मैदा, 1/2 कप चीनी, शुगर, ठीक है। ये है 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, हो तो डालो, ये ऑप्शनल है, ठीक है। मिल्क पाउडर 1/4 कप आपका है ऑयल, कोई भी ऑयल ले सकते हो। 3/4 कप मिल्क, ये है आपका 1/4 टेबल टीस्पून सोडा, बेकिंग सोडा, और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। साथ ही में हम यूज करेंगे एसेंस, तो आज मैं ले रही हूँ रोज एसेंस, ठीक है। और हम लेंगे 1 चम्मच विनेगर, व्हाइट विनेगर जो होता है, उसको हम मिल्क में डालेंगे। और ये हमारी टिन है, सबसे पहले हमें इसको ग्रीस करना है विद ऑयल, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको ग्रीस कर लेते हैं, ये देखिए, ये मेरी सिलिकॉन मोल्ड है, ठीक है। ये मट्टा पेपर, ये नॉर्मल रैपर जो आप खाने के लिए पैक करते हैं, इसको हर जगह यूज किया जा सकता है, रैप प्लस के नाम से आता है, ठीक है। रैपिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं एंड बेकिंग के लिए भी। तो पहले हम इस पे ग्रीसिंग कर देंगे, ऑयल लगा दीजिए, बटर पेपर लगाइए इसमें। अगर नहीं है तो आप सिर्फ ऑयल ही रहने दीजिए, ऑयल से ही रहने दीजिए, और मैदा डस्ट कर दीजिए ऊपर से। ठीक है, ये हमारी टीन रेडी है, इसको हम साइड में रख देते हैं। और अब लेंगे एक बाउल, इसमें ऐड करेंगे हम ऑयल, ठीक है, ऑयल। फिर इसमें ऐड करेंगे हम शुगर, शुगर
चीनी, चीनी को मैंने पीसा ही, ठीक है, सिंपल चीनी है, बस इसको पीस लिया है। ठीक है, मिक्स इट। और हमने मीनवाइल ही एक स्पून विनेगर दूध में डाल लेना है, ठीक है, एक स्पून विनेगर को हम मिल्क में डाल देंगे। एंड रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। अब हम लेंगे एक स्ट्रेनर, ठीक है, ये हमारी हो गया। अब हम लेंगे हमारा स्ट्रेनर और सारे ड्राई इंग्रीडियंट्स इसमें डाल देंगे, ठीक है। ड्राई में मैदा, पाउडर, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। अब इसमें हमें दूध से इसको मिक्स करना है, ठीक है, इसको हम दूध से मिक्स करेंगे धीरे धीरे। ये दूध है, इसमें हमने विनेगर डाला था, तो थोड़ा सा ही बटर मिल्क ना छाछ वाला रूप ले लेगा, दही वाला फट गया, इसको हम यूज करते हैं। थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाइए। थोड़ा सा बच्चा इसको भी ऐड कर दो, ठीक है। थ्री फोर्थ कप मिल्क इसमें यूज होगा। और साथ ही में आप डाल दीजिए एसेंस, कोई भी एसेंस डालो जो आपका मन है, ठीक है। मैं आज रोज एसेंस डाल रही हूं, ठीक है, बस वन ड्रॉप टू ड्रॉप ज्यादा, बस ज्यादा नहीं। इसको मिक्स करो अच्छे से, अगर आपको कोको पाउडर, अगर चॉकलेट केक बनाना है ना, तो इसमें वन कप और वन फोर्थ कप मैदा डाला है मैंने, तो आप वन फोर्थ कप मैदे को हटा के और वन फोर्थ कप कोको पाउडर डाल दीजिएगा, आपका चॉकलेट स्पंज बन जाएगा। ये देखिए टेक्सचर जो है वो फ्लोइंग होगा, ठीक है, कितना अच्छे से फोल्ड हो रहा है।
ये हमारा टेक्सचर रहेगा। इसको हम बेकिंग मोल्ड में डाल देंगे। इसको हम रख देंगे हमारी कढ़ाई में 30 मिनट्स के लिए। हमें इसे कढ़ाई के अंदर बेक होने के लिए रख देना है। ठीक है, 30 मिनट्स के लिए आप इसको कढ़ाई में बेक होने के लिए रख देंगे। ये रहा, ठीक है, 30 मिनट्स कढ़ाई में रख दिया है बेक होने के लिए। इसको कवर कर दीजिए और 30 मिनट्स बाद अब हमें चेक करना है, उससे पहले नहीं। 30 मिनट्स बाद ही हम इसको ओपन करके चेक करेंगे। चेक करते हैं केक को। फ्रेंड्स, मैंने वीडियो यहीं तक रखा है, स्पंज तक। इसके आगे की रेसिपी आगे ब्लॉग में कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि मैंने बहुत प्रॉपरली सारे स्टेप दिखाए हैं, तो इसीलिए ब्लॉग जो है लंबा हो रहा था, इसीलिए मैंने यहीं तक इसको रखा है। इसके आगे का जो प्रोसेस है वो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मिलेगा। देखिए एकदम क्लीन। एंड डू सब्सक्राइब प्लीज। इसको बंद कर दीजिए। अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हम इसको ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसकी आइसिंग करेंगे।